यस, वेलकम बैक क्लास 11th सी चिल्ड्रेन। अभी हम लोग ने देखा था क्या गामा वी और गामा पी, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों की जो वैल्यू होती है सेम होती है, और इन दोनों की वैल्यू 1/T के इक्वल होती है, 1/T के इक्वल होती है। अब हमें देखनी है जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को केवल स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं और स्मॉल सी सिंबल से लिखते हैं। चरण, ये होता क्या है, अगर हम 1 किलोग्राम कोई सब्सटेंस ले लें, 1 किलोग्राम अगर हम सब्सटेंस ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज कर रहे हैं, 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम जितनी हीट उसे देंगे, सब्सटेंस को जितनी हीट देंगे उसे हम उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट को अगर डिफाइन करना है तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं जो यूनिट मास मीन्स 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती है। तो अब इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat capacity of that substance, is called a specific heat capacity of that substance। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q upon m into delta t, या यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि Q = mc delta t। अगर अमाउंट ऑफ हीट निकालना है तो इससे निकाल दिया जाएगा। अब चरण, इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, Q की तो यूनिट होती है जूल, मास की होगी किलोग्राम और डेल्टा टी की हो जाएगी केल्विन, किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ये स्मॉल सी की SI यूनिट होगी। और इसकी जो कन्वेंशनल यूनिट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, कन्वेंशनल यूनिट, लेकिन न्यूमेरिकल करते समय कन्वेंशनल यूनिट नहीं लेते हैं, SI यूनिट ली जाती है। तो उसमें हम लोग हीट को कैलोरी में लेते हैं, हीट यूनिट कैलोरी हो जाती है, मास को हम लोग ग्राम में लेते हैं और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस। अक्सर आपको यूनिट इसी में मिलेगी, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखें, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, तो क्यू का जूल का तो होता है ML2 T-2, मास का हो गया m और डेल्टा t का हो जाएगा कैपिटल थीटा, o जैसा बनाते हैं, m से m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया L2 T-2 θ-1। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, ये आपकी केवल नॉलेज के लिए, कि सबसे ज़्यादा जो हीट कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम हीट कैपेसिटी जो है वो हाइड्रोजन की होती है और इसकी वैल्यू जो होती है 3.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और वाटर की तो 1 होती है। ठीक है ना, मैक्सिमम हीट कैपेसिटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। और आपको कहीं भी कैलोरी में दिया होगा तो उसको चेंज करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे,
क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय किसमें होना चाहिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, या 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हो जाएगा 4.18 × 10³ जूल। ठीक है, इन दो रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे। चिल्ड्रन, नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री कोई अलग चीज़ नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बस यहाँ पे हीट की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बताया गया कि अगर कोई बॉडी है वो अगर कोई सराउंडिंग हीट को नहीं ले रही है, ठीक है, अगर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है बिटवीन द सराउंडिंग एंड द बॉडी, तो हीट लॉस्ट बाय द बॉडी एट हायर टेम्परेचर इक्वल होगा हीट गेन बाय द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और सराउंडिंग को हीट अगर ना ले रही हो तो हॉट बॉडी जितनी हीट एनर्जी लॉस करेगी वो इक्वल होगा हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हमने हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दिया और आप जानते हैं हीट का एक्सचेंज हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। तो जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कॉन्टैक्ट में रख देंगे और ये एजम्पशन ले कर चल रहे हैं कि सराउंडिंग कोई भी हीट नहीं ले रही है, तो हॉट बॉडी जितनी हीट लॉस करेगी उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, If no heat exchange occurs between the surrounding and the body, between the surroundings and the bodies, then heat lost by the body at higher temperature is equal to the heat gained by the body at lower temperature. ठीक है, heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the cold body, या ये भी कह सकते हैं कि heat lost is equal to heat gain, जितना हम loss करेंगे उतना दूसरी body gain करेगी। This is known as principle of calorimetry. Principle of calorimetry. Calorimetry, calorie plus metry, calorie का मतलब ही होता है heat और metry मतलब measurement, ठीक है ना। तो calorimetry में क्या करते हैं, measurement of heat, और heat को measure करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो तरीका यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं हम लोग।